Very good morning, student. How are you all? Student, now we'll start revision. Okay, as you know that your half yearly exam is coming now. So the chapter 3, movements of the earth. Okay, तो हम क्या करेंगे, अब इस चैप्टर का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेंगे. जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं या मिस हो गई हैं, तो वो इस रिवीजन वीडियो के थ्रू इस चैप्टर को दोबारा से समझ सकते हैं. ओके, देखो स्टूडेंट, विल टॉक अबाउट द अर्थ. हमारा चैप्टर है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूव्स इनटू टू डिफरेंट वे. अर्थ जो मूव करती है वो दो तरीके से करती है. इट रोटेट्स लाइक अ टॉप. टॉप आपको पता है, लट्टू जो आप लोगों के गेम आते हैं ना, छोटे से लट्टू घुमाते हो, है ना. एक तो मूवमेंट करती है जैसे कि जैसे लट्टू घुमाते हैं वैसे. एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स और मूव्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. और एक तरीके एक मूवमेंट उसका जो सेकंड मूवमेंट है बेटा, वो है सन के चारों तरफ घूमना, ठीक है. बट इट डजंट सीम टू अस. बट ये सब चीज ना तो हमें दिखाई देता है ना ही हमें पता चलता है. अब आपको पता चलता है कि अर्थ मूव कर रही है, अपनी स्पिन पे भी मूव कर रही है और मतलब सन के चारों तरफ भी मूव कर रही है. बट वी नेवर फील इट. ना हम फील करते हैं और ना ही हम इसको देख पाते हैं, ठीक है स्टूडेंट. तो चलो एक तरीके से करते हैं. हम एक इसके मूवमेंट को मैं शो करती हूँ, ठीक है. अब हम एक ग्लोब लेते हैं, ठीक है. दिस इज माई ग्लोब. तो हम जैसे मैंने बोला ना, इट स्पिन लाइक अ टॉप. ये टॉप की तरह स्पिन करता है. तो देखो अब हम इसको स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी ही जगह पर किसके बेस पर, एक ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो इसके 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 पासिंग थ्रू सेंटर से पास होती है, ठीक है. तो इसके बेस पर ये अपनी स्पिन पर क्या कर रहा है ना, इस इमेजिनरी लाइन पे स्पिन कर रहा है. और ये जो इमेजिनरी लाइन होती है बेटा, वो कहलाती है आपकी एक्सिस. ये क्या कहलाती है, ये दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड अ एक्सिस. इमेजिन मीन्स होता है कल्पना, ठीक है. ये हमारी कल्पना मात्र है. मीन्स हमने एक सोची, हमने हमारी थिंकिंग है कि एक इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है. तो अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, अपनी एक्सिस पे रोटेट करना अर्थ का, वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, ठीक है. चलो विल स्टार्ट स्टडी हियर. द अर्थ ऑल्सो स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस इन द सेम वे. अब जैसे मैंने ग्लोब को घुमाया था ना स्टूडेंट, वैसे ही हमारी अर्थ भी जो है वो अपनी एक्सिस में रोटेट करती है, मीन्स घूमती है. द स्पिनिंग मोशन, इसको हमने क्या बोला है, स्पिनिंग मोशन बोला है. इस मोशन को हमने क्या बोला स्टूडेंट्स, स्पिनिंग मोशन बोला है. ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है. स्पिनिंग मोशन क्यों बोला है, क्योंकि ये अपनी स्पिन पे एक्सिस, अपनी स्पिन पे मूव कर रही है, ठीक है. तो ये स्पिनिंग मोशन जो अर्थ का है वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है, ओके. इट स्पिन्स अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. दिस इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट स्पिन इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. जैसे हमने ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन थॉट, इमेजिनरी लाइन सोची है, सेम क्या ग्लोब क्या है, रेप्लिका है अर्थ का. तो ऐसे ही हमने एक इमेजिनरी लाइन जो है वो हमने अर्थ के लिए भी वो करी है. तो उसको, उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहते हैं, हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है. अब देखो डे एंड नाइट, डे और नाइट कैसे होता है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस कॉज डे एंड नाइट, ठीक है. ये जो अर्थ का, ये जो अर्थ का अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करना है, ठीक है, वो किस चीज का कॉज बनता है, डे और नाइट का कॉज होता है. आप रात दिन देखते हो ना, और वो डेली हैपन होता है ना, हर दिन रात दिन होती है. तो इसका अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करना, रोटेट करना, वो क्या है, डे नाइट का, डे नाइट इसका रिजल्ट होता है. इसके लिए मैं, चलो एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ प्ले करती हूँ. पिछले वीडियो में भी मैंने इस एक्टिविटी को प्ले करा था और आपको समझाया था कि कैसे डे नाइट एक्कॉर्ड्स होते हैं. तो इस बार हम दोबारा कर लेते हैं, एक बार दोबारा, ठीक है. चलो मैं लाइट ऑफ करती हूँ स्टूडेंट्स, विल दैट आई विल शो यू. देखो अब आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां मेरी लाइट पड़ रही है वो तो हो गया डे, ठीक है ना. ये देखो, यहाँ अगर मैंने इंडिया को फोकस करा है, यहाँ दिखाई दे रहा है इंडिया पे, यहाँ मेरी लाइट हो रही है, तो ये हो गया डे. और जैसे जैसे इस लाइट के इधर की साइड आप चलोगे, तो ये क्या क्या दिखाई दे रहा है, डार्कनेस दिखाई दे रही है. तो यहाँ क्या होता चला जाएगा, नाइट होती चली जाएगी. इसके अपोजिट साइड इधर भी देखोगे,
तो वो क्या है, नाइट है, मतलब यहाँ तो डे हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो इस तरीके से डे नाइट जो है वो शिफ्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। ये एक जगह फिक्स नहीं होता डे नाइट, क्योंकि क्या है, अर्थ जो है वो अपनी स्पिन एक्सिस पर स्पिन करती है, रोटेट करती है, इसलिए जहां डे होता है वहां नाइट होती है, और जहां नाइट होती है वहां डे होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन चलती है, ठीक है। तो देखो अब दोबारा से इंडिया पे डे आ गया, अब मैं इसको रोटेट करूंगी तो ये क्या होगा, दोबारा ये नाइट होती चली जाएगी इंडिया पे, देन आई अगेन रोटेट रोटेट, क्योंकि रोटेशन रुकता नहीं है अर्थ का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगेन यू कैन सी दैट इंडिया इज अ डे हियर, ठीक है। तो इस तरीके से जो रोटेशन है वो क्या है, डे नाइट का कॉज होता है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आई आपको ये वाली एक्टिविटी, चलो अब आगे करते हैं। अब इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो मैंने डायग्राम भी शो करा है यहाँ पर आपको एक तरीके से, है ना, ठीक है। देखो ये जो अर्थ का जो पार्ट, ठीक है, जिसपे जो सन के सामने है, बिल्कुल टूवर्ड्स द सन है, ठीक है, वहां तो क्या होगा, डे होगा, और जो उसके अपोजिट साइड है वहां क्या होगी, नाइट होगी, ठीक है। तो अब मैंने आपको घुमाते हुए दिखाया था ना, ग्लोब रोटेट करते हुए दिखाया था, तो जिस पार्ट में अभी इस समय डे दिख रहा है उसके अपोजिट साइड क्या है, नाइट है, और फिर ये पार्ट यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा, और उसके अपोजिट साइड क्या आ जाएगी, नाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो होता है वो डे नाइट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड मोशन इसका स्टडी करते हैं, ये है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। सेकंड मोशन होता है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन, इज सन इन अ फिक्स्ड पाथ, इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब नाउ यू कैन सी दिस पोस्टर, दिस इज माई सन, ओके, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ क्या है, ये ऑर्बिट, ये पाथ है बेटा, पाथ मीन्स होता है रास्ता, ठीक है। ये सब प्लैनेट्स के अपने अपने पाथ होते हैं, और इन पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ क्या है, अपनी ऑर्बिट पर क्या करती है, सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक तो अपनी स्पिन पर अपने आप ही घूमती रहती है, और साथ साथ वो क्या करती है, ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये जो मोशन कहलाता है, मूव्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमना, वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। ये वाला मोशन क्या कहलाएगा बच्चों, रिवॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो आप देखो, द अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज और अ वन ईयर। स्टूडेंट्स आप कहते हो ना वन ईयर हो गए, तो वन ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। अब हम उसको वन ईयर क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, उसको कंप्लीट करने में, उसके एक राउंड को कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगते हैं, और रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स, तभी डे और नाइट होते हैं ना, 24 आवर्स करते हैं ना, तो 24 आवर्स तो डे और नाइट मतलब रोटेशन करने के लिए होता है, रोटेशन कंप्लीट करती है, और रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 और अ वन ईयर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हमने पढ़ा था रोटेशन तो कॉजेज हो गया डे और नाइट का, तो रिवॉल्यूशन भी किसी चीज का कॉजेज है, यस, रिवॉल्यूशन इज द कॉजेज ऑफ सीजन। सीजन आपको सबको पता है, वी आर हैविंग अ समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग सीजन। तो ये जो सीजन हमें आते हैं, वो जो हमें ये सीजन जो मिले हैं, वो किससे मिले हैं, वो हमें रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ से मिले हैं, ठीक है। तो द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ गिव अस डिफरेंट सीजन, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, ठीक है। व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन, द अर्थ इज टिल्टेड टू अ वन साइड, ठीक है। देखो जैसे आपको पता है, ग्लोब भी, ग्लोब में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, तो ग्लोब में मैंने आपको दिखाया है कि जो अर्थ है ना, देखो ये ग्लोब सीधा नहीं है बच्चों, है ना, अगर सीधा होता तो ये एक्सिस का जो पॉइंट है वो यहां होता, ठीक है। तो ये एक साइड झुकी हुई है, टिल्टेड है, झुकी हुई साइड है इसकी, ठीक है। तो जिस साइड, जो साइड सन की साइड झुकी हुई होगी, ठीक है, उस साइड क्या होगा, क्या होगा उस समय, उस साइड होगा आपका सन, जहां डायरेक्ट रेस फॉल करेगा
वहां जो लाइटर आवर्स हैं, मतलब लाइट जो है वो लंबे समय तक रहेगी, और वो एरिया उस एरिया में उस जगह क्या पड़ेगी, समर पड़ेगी। ठीक है, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में क्या होगा, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन में जो सन लाइट है वो पूरी तरीके से नहीं पड़ पाएगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगी, क्योंकि वहां जो सन लाइट के जो टाइमिंग से जो सन लाइट के आवर्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, अभी जैसे हमने रोटेशन के लिए एक्टिविटी प्ले करी थी, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी अपने रिवॉल्यूशन के लिए भी प्ले कर सकते हैं। लेकिन नाउ यू कैन गो थ्रू बाय योर ओन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है जो साइड टिल्टेड है और सन की साइड आएगी उसमें समर होती है, और उसके अपोजिट साइड क्या होता है, विंटर होता है। अब ये रोटेट होती चली जाएगी, तो जहां विंटर था वहां समर होता चला जाएगा, और जहां समर थी वहां विंटर आता चला जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको और स्टडी कर लेते हैं। नाउ कम हियर, कम ऑन द बुक। तो मैंने देखो स्टूडेंट आपको यहां तक क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब हम देखो, व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। देखो जब नॉर्थ पोल, मैंने आपको बताया ये दिस इज अ नॉर्थ पोल, दिस इज अ साउथ पोल, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। ठीक है, जब नॉर्थ पोल सन की साइड होगा तो क्या होगा, साउथ पोल जो होगा वो सन से दूर होगा। ठीक है, तो नॉर्थ, जब नॉर्थ की साइड सन है तो वहां कौन सा मंथ होगा, जून होगा। ठीक है, आप इसको इस अपने पिक्चर में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एट दिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज अ समर एंड द सर्दर्न हेमिस्फीयर हैज अ विंटर। ठीक है, आपको पता है हमारे हेमिस्फीयर है ना, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की साइड है तो क्या होगा, उस जगह समर होगी, और जो अपोजिट साइड है सर्दर्न हेमिस्फीयर वहां क्या होगा, विंटर होगा। पहले हम इसको मैं पढ़ा देती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी स्टूडेंट। ठीक है, When the south pole tilted towards the sun, the north pole is tilted away from it. ठीक है, आप यहां पर भी देख सकते हो, चलो मैं यहां दिखाती हूँ आपको। देखो देखो, ये सन है, this is sun. ठीक है, तो अभी ये बीच में सन है, और ये नॉर्थ पोल है आपका, इधर आपका साउथ पोल है। ठीक है, जब नॉर्थ पोल आपका, अब देखो नॉर्थ पोल जब डायरेक्ट सन की रेसिस में है तो साउथ पोल में क्या है, डार्क दिखाई दे रहा है आपको, है ना, सन सन क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ डार्क दिखाई दे रहा है, उसकी दूसरी पिक्चर इधर बनाई गई है ना। तो देखो इसमें मैं यहाँ और क्लियर, इस वाले डायग्राम में आपको और अच्छे से क्लियर होगा स्टूडेंट। देखो यहाँ लाइट्स और इफेक्ट्स दिखा गए हैं पूरे, दिस इज द सन। ठीक है, अब सन की रेजेस देखो आप, ये देखो यहाँ लिखा है समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लिखा हुआ है ना जून, 21st ऑफ जून मैंने यहाँ डेट मेंशन करी हुई है। तो यहाँ जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सन की डायरेक्ट रेस फॉल होंगी तो वहां क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, समर होगी। अब धीरे 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 देखिए, देखो अर्थ जो है अपनी ऑर्बिट पे मूव कर रही है। ठीक है, अब पोजीशंस चेंज होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, अब इधर आप आ जाओ। ठीक है, अभी ये डायग्राम हमें बहुत लंबा समझना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सर्दर्न हेमिस्फीयर तो आ गया सन की साइड, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया सन से दूर, मींस अपोजिट साइड हो गया। तो अब सर्दर्न हेमिस्फीयर में समर हो गई और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी विंटर होगी। ठीक है, अभी इसको हम दोबारा से स्टडी करेंगे, पहले हम यहाँ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरी। ठीक है, अब देखो, इन मार्च एंड सेप्टेम्बर बोथ द पोल्स आर एट द इक्वल डिस्टेंस। लेकिन मार्च और सितंबर में क्या होता है स्टूडेंट, दोनों ही पोल्स, नॉर्दर्न नॉर्थ पोल और द साउथ पोल जो होता है, दोनों ही एक ही इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम द सन, सन से। इन मार्च देयरफॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज अ स्प्रिंग, इसलिए मार्च में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है और सर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है। ठीक है, इन सेप्टेम्बर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज ऑटम एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर इज स्प्रिंग, उल्टा हो जाता है देखो। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। Therefore, when it is summer in India, it is winter in Australia. जब हमारे यहाँ समर होती है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है। ठीक है, when it is autumn in India, जब हमारे यहाँ ऑटम का सीजन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग सीजन होता है, मीन्स अपोजिट चला है। ठीक है, thus the revolution of the earth and its tilted axis causes the season. इसलिए जो रिवॉल्यूशन है अर्थ का और जो उसकी tilted axis है वो किस चीज का कॉज हो जाती है, हमारे
सीजन का कॉज हो जाती है. देखो स्टूडेंट, कम बैक टू दिस डायग्राम अगेन. हम इस डायग्राम को यहाँ अच्छे क्लियरिटी से समझते हैं. आई हैव मेंशन द डेट्स आल्सो हियर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. देखो हम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, ये 21st of June है. ठीक है, अब आप यहाँ से देखो आपकी अर्थ जो जहाँ लाइट पार्ट दिखाई दे रहा है वहां समर है. ठीक है, ये आपका आ गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आ गया सर्दर्न हेमिस्फीयर. तो सर्दर्न हेमिस्फीयर डार्क दिखाई दे रहा है आपको. ठीक है, अभी यहाँ क्या है, विंटर चल रहा है. ठीक है, आप देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन सर्दर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, अब अर्थ ने रोटेट करा और उसकी एक्सिस पे भी अर्थ ने रिवॉल्व करा और उसकी एक्सिस पे रोटेशन चल रहा है ना. तो अब आप आ जाओ 23rd of September. अभी मैंने आपको बताया था सितंबर में क्या होता है, सितंबर और मार्च में दोनों पोल्स जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, सन के इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मार्च में स्प्रिंग सीजन होगा तो सर्दर्न हेमिस्फीयर में सितंबर में ऑटम सीजन होगा. ठीक है, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इकोनिक्स कहलाते हैं. ओके, ये क्या कहलाते हैं, इकोनिक्स, स्प्रिंग इकोनिक्स और ऑटम इकोनिक्स. ओके, तो आप ध्यान रखना जब मार्च और सितंबर होता है तो दोनों ही पोल इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सन से. अब सन से जब रिवॉल्व इस ऑर्बिट पे अपने अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो धीरे धीरे उसका जो टाइम है, अब देखो यहाँ से जब गर्मी में दिन बहुत बड़े होते हैं लेकिन देखते हैं आप नवंबर दिसंबर में जल्दी से दिन छिपने लगता है, तो वो यही कारण है. अब जैसे 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 जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अपोजिशन में अपोजिट साइड चला जाएगा तो वहां क्या आ जाएगी, हमारी सर्दियां आ जाएंगी. इंडिया में ठंड पड़ती है ना दिसंबर के महीने में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ अब साउदर्न हेमिस्फीयर में आ गए, सर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई आपकी समर और विंटर हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई आपकी विंटर. जब हम 22nd December यहाँ ठंड हो रही होती है इंडिया में तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है. हम अपना क्रिसमस सर्दियों में मनाते हैं 25th December को, और उनके यहाँ 25th December को क्रिसमस सेलिब्रेट होता है लेकिन वो समर सीजन चल रहा होता है. इस चीज का ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया समर सीजन में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करता है और हम विंटर में. डेट एक ही है लेकिन दोनों ही अपोजिट पोल्स हैं इसलिए सीजन्स का फर्क आ जाता है. ठीक है, आप देखो अब धीरे 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 कहते हैं ना, एक हिंदी में भी कहते हैं ना क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं, तब से दिन थोड़े थोड़े बड़े होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, धीरे धीरे रातें जो छोटी होने लगती हैं और दिन बड़े होने लगते हैं. जब 21st March आती है तो हमारे यहाँ इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है. मीन्स जितना बड़ा दिन होगा उतनी ही बड़ी रात होगी. ठीक है, ये होता है 21st of March को. दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग इकोनिक्स. ठीक है, और धीरे 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 देखो फिर आपका जून का महीना आने लगता है, जून मंथ आता है तो दिन जो होते हैं सनसेट बहुत देर से होता है ना और सनराइज बहुत जल्दी हो जाता है गर्मियों में, तो दोबारा से वो ही पोजिशन आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सो डू यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. ठीक है, और मैंने आपको वर्कशीट दी है स्टूडेंट. इन दैट वर्कशीट स्टूडेंट आई हैव गिवन यू वर्कशीट बट आई एम नॉट गिविंग द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चंस. ओके, तो ये आंसर अब आपको फाइंड आउट करने हैं क्योंकि दिस रिविजन इज गोइंग ऑन. ओके, तो आप अपनी प्रैक्टिस करिए, आंसर फाइंड आउट करिए, बुक रीड करिए, अपना चैप्टर रीड करिए, गूगल से आप अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करिए. ठीक है, और इसके लिए स्टडी करिए. ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू डू इट दिस आंसर्स योर ओन. ओके, नोबडी विल से मी कि मैम आपने आंसर नहीं भेजे, आई विल नॉट सेंड यू द आंसर, यू हैव टू डू योर स्टडी योर ओन. अब देखो स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इज अ ट्यूजडे वर्कशीट, सो एवरी आई थॉट कि दैट एवरीबडी वांट्स टू सी दैट एंड एवरीबडी विल गो टू सी दैट. आई एम टेलिंग यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर एग्जाम. इन एग्जाम आई डेफिनेटली गो विद द पिक्चर्स क्वेश्चन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर्स. ओके, मैं आपको कोई भी पिक्चर्स दे सकती हूँ. ठीक है, जरूरी नहीं है आई विल गिव द सेम पिक्चर विद द पिक्चर्स इन योर बुक. मैं सेम पिक्चर नहीं दूंगी आपके बुक से, मैं भी कहीं से स्टडी करके दूसरी पिक्चर्स निकालूंगी एंड देन आई विल से टू यू कि आप इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करो या डायग्राम को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, या डायग्राम को आइडेंटिफाई करो और उसको लेबल करो या उसके बारे में लिखो कि वो हमें क्या समझा रहा है, क्या डिस्क्राइब कर रहा है. सपोज मैंने आपको ये वाला डायग्राम दे दिया. ठीक है, और मैंने उसको पूछा
what do you understand by this diagram? Describe it. आपको इस डायग्राम से क्या समझ में आता है, आप इसको डिस्क्राइब करें. तो आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ओके सो आप अपने नेट पे अपनी बुक्स के थ्रू आप बहुत सारे डायग्राम्स देखो जो आपके लेसन्स में आ रहे हैं. और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली 2-3 क्वेश्चंस जो होंगे वो पिक्चर बेस्ड होंगे. ठीक है, एक एक लाइन स्टडी करो, क्योंकि आप आपके जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो आपके चैप्टर के बीच में से बनेगा. आपकी वर्कशीट के सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे. ओके और प्लीज नेट पे से कॉपी मत करना एग्जाम में, वो पता चल जाएगा एंड देन यू विल गेट 0. ओके एब्सोल्युटली आई विल गिव यू 0 इफ यू कॉपी डाउन द क्वेश्चन फ्रॉम द नेट. इज दैट क्लियर? सो आई थिंक डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस व्हिच आई एम गिविंग टू यू. है ना, खूब स्टडी करो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस की स्टडी करो. ठीक है, और कोई भी क्वेरी होती है बेटा तो आप यू कैन टेक अ हेल्प, यू कैन सेंड अ क्वेश्चंस इन व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन है कि मैम मुझे ये नहीं मिल रहा है या मुझे ऐसे स्टडी करनी है, कैसे स्टडी करनी है आप बता दो, तो मैं आपको श्योर आपको आंसर करूंगी. ठीक है, चलो ओके, गुड बाय, गुड डे.